ये भी बताएं कि सपोजिंग कुछ मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन ही हो गया, कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया, तो क्या वो भी फिर बच्चे को दूध पिला सकती है जब बच्चा पैदा होगा? हाँ जी, जहाँ तक बात है बच्चे को नहीं दूध पिलाने की, बहुत ही कम गिनी चुनी ऐसी कंडीशंस हैं जब माँ का दूध बंद करना है। जो लोगों में आम प्रॉब्लम्स हैं कि माँ को बुखार आ रहा है, माँ को सर्दी खांसी हो रही है, माँ को इवन हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ भी है, तुरंत से सबसे पहले माँ का दूध बंद कर दिया जाता है। माँ का दूध नहीं बंद करना है, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम श्योर शॉट बोल सकते हैं कि माँ का दूध बंद करना चाहिए। एक कंडीशन जिसमें होती है गैलेक्टोसीमिया करके, जो बहुत रेयर सी डिसीज़ है, उसमें बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज एक प्रोटीन होती है जो मिल्क में पाई जाती है, तो अगर वो दूध पिलाया, मिल्क पिलाया जाएगा, कोई भी फॉर्म का मिल्क पिलाया जाएगा, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, बच्चे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो बच्चे को माँ का दूध नहीं देना होता है। माँ अगर कुछ ऐसी दवाइयों पे है जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स है कुछ तरह की, तो हम कई बार माँ का दूध बंद करना होता है। लेकिन ये भी बहुत स्पेसिफिक है, जब भी कोई दवाई ले रही है माँ तो वो दवाई बताए कि मैं ये पर्टिकुलर दवाई पे हूँ, इस पर क्या मुझे माँ का दूध मतलब अपना दूध बंद करना है क्या बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है कि सारी एंटी कैंसर ड्रग्स पे दूध बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ है, अगर एच आई वी है, माँ को एड्स की बीमारी है, एच आई वी वायरस है, तो चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं US वगैरह में, वहाँ तो ये बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जहाँ पे टॉप मिल्क की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ डायरिया बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शंस बहुत हैं अपर रेस्पिरेटरी, हम मदर्स को, पेरेंट्स को एक काउंसलिंग के दौरान एक ऑप्शन देते हैं कि वो टॉप मिल्क पिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को या ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में एच आई वी वायरस एक्सक्रीट होता है कुछ परसेंटेज में, बहुत कम है वो भी, अप टू 12% है। तो लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम टॉप मिल्क देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स होती हैं, बच्चे को और परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये एक ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चे को वो दूध कौन सा पिलाना चाहता है, माँ अपना दूध पिलाना चाहती है या टॉप मिल्क। अब आपने ट्यूबरक्लोसिस की बात की तो मैं ट्यूबरक्लोसिस पे आती हूँ। ट्यूबरक्लोसिस अगर एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे उसी समय डायग्नोज हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है और माँ का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो उस समय तक जब तक माँ का ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता और माँ 2 हफ्ते में जब तक एंटी इन्फेक्टिव मतलब इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता उनका एक्यूट फेज वाला, तब तक हम मना करते हैं। अगर वो पुराना इन्फेक्शन है, डिलीवरी के पहले हुआ है, मदर ट्रीटमेंट ले चुकी है या ड्यूरिंग डिलीवरी भी उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो उस केस में माँ का दूध नहीं बंद किया जाता। सो अगर कोई और भी एक्टिव बीमारी अगर हो गई, मान लो कि मान लीजिए हर्पीज इन्फेक्शन है, पर अगर वो सिर्फ ब्रेस्ट पे ही है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो बॉडी में है तो माँ निकाल के अपना दूध दे सकती है। माँ को बच्चे को छूना नहीं है पर वो निकाल के अपना दूध दे सकती है कि वो निकाल के कटोरी में रख दे और कोई और पिला दे उसको। तो कोई भी ऐसी एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है, एक दो को छोड़ के, जहाँ हमें माँ का दूध बंद करना है। सो ये छोटी छोटी बीमारियों को लोग अधिकतर बोल देते हैं कि नहीं, माँ को बुखार हो रहा था, हमने दूध बंद कर दिया, वो नहीं करना है।